हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। हम अपनी क्लास 11th की फिजिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारे यूनिट फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी सेकंड यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। हमारी सेकंड यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स। उसका आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है और उसका चैप्टर 1 है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो आज का लेक्चर है उसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इसमें जो छोटे छोटे डेफिनेशंस है, इंट्रोडक्शन है, उसका भी आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे, क्योंकि जो ये टर्म्स है ये हमारे आगे चैप्टर में यूज होगी, तो इन टर्म्स का आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप आगे इजिली स्टडी कर सकते हैं। तो आज हम इस जो छोटे छोटे हमारे टर्म्स हैं इनके बारे में पता करेंगे कि ये क्या होती है। जैसे हमारा स्टैटिक्स आता है कि स्टैटिक्स क्या होता है, काइनेमेटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है, रेस्ट और मोशन क्या होता है। इसमें हम मोशन की बात करेंगे कंटिन्यूसली, तो हमारा मोशन एक्चुअली होता क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए, हमारा रेस्ट किसे कहते हैं वो भी हमारा पता होना चाहिए, ठीक है। और मोशन इन 1, 2 और 3 डायमेंशन, हम यहाँ पर 3D की बात करेंगे, 2D की बात करेंगे, मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन। आगे कंटिन्यू चैप्टर में जो काइनेटिक्स है उसमें हम इनकी बात करेंगे, तो हमें इन सब के बारे में पहले बेसिक इनका पता होना चाहिए। तो आज हम अपने लेक्चर में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा काइनेमेटिक्स का फर्स्ट लेक्चर होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो जो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो जो हमारी मैकेनिक्स होती है उसमें जो हमारे जो मैकेनिक्स है वो साइंस की ब्रांच होती है, मतलब कि फिजिक्स की ब्रांच है। हमारी जो फिजिक्स है वो साइंस की ब्रांच होती है, जो हमारी मैकेनिक्स है वो हमारी फिजिक्स की ही एक ब्रांच होती है, ठीक है। तो फिजिक्स में हम मैकेनिक्स की बात करें तो हमारा स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दो टर्म आती है, ठीक है, हमारे दो टर्म आते हैं स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। यहाँ पर स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट में, ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब होता है हमारा रेस्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन के बारे में भी हम बात करेंगे, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है हमारा ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, और जो डायनेमिक्स की बात करेंगे इसका क्या मतलब होता है हमारा ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है। जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा मैकेनिक्स में आता है, और मैकेनिक्स में हम दो टर्म की बात करते हैं, स्टैटिक्स की और डायनेमिक्स की। तो स्टैटिक्स होता है वो क्या होता है, स्टैटिक्स का मतलब होता है हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में बात करेंगे, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट रेस्ट में बात करें वहां पर मतलब स्टैटिक्स मैकेनिक्स है, ठीक है। और जब मोशन की बात करें तो वहां पर क्या है, डायनेमिक्स मैकेनिक्स है, ठीक है। ये हमारी दो टर्म होती है। अब यहाँ पे एक यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक ये भी टर्म आएगी आपके चैप्टर में आगे, इस भी टर्म की बात करेंगे। क्या टर्म आएगी हमारी, यूनिफॉर्म मोशन। और एक टर्म आएगी आपकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे हम आपको इनके मीनिंग बता देते हैं। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है हमारा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जो इस जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस पर जो फोर्स लग रही है वो क्या ले रही, इक्विलिब्रियम पोजीशन में लगेगी, ठीक है। यूनिफॉर्म होता है इसमें क्या होता है, जो हमारी फोर्सेस है वो क्या होती है, इक्विलिब्रियम में होती है, फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या एन ऑब्जेक्ट कैन हैव यूनिफॉर्म मोशन, एक ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन होगा, कब होगा उसका, इवन व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। जो जिस ऑब्जेक्ट पर जो हमारे फोर्सेस लगेगी वो इक्विलिब्रियम में लगेगी, तो वो हमारा उसका जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा उसमें क्या हो गया, हमारे इक्विलिब्रियम में फोर्सेस नहीं रहेंगी, ठीक है। यूनिफॉर्म में इक्विलिब्रियम में फोर्सेस लगेगी, नॉन यूनिफॉर्म में इक्विलिब्रियम में नहीं लगेगी। मतलब क्या, नॉन यूनिफॉर्म के उत्तर क्या होगा, टाइम के साथ भी जो सेम चलेगा, ठीक है, जो हमारी फोर्स है जो भी है, मतलब जो भी चेंज हो रहा है मोशन में, क्या टाइम के साथ कंटिन्यूसली होता जाएगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। जो नॉन यूनिफॉर्म होता है वो क्या होता है, वो टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, कभी ज्यादा कभी कम, ठीक है, ऐसा चलेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये आगे हमारी टर्म आएगी यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ेंगे हम, वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी, वहां पे आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हमारी क्या क्या होती है टर्म, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं हमारा एक्चुअली में, देख यहाँ पे देखिए स्टैटिक्स की हम एग्जैक्ट डेफिनेशन बताते हैं आपको कि हमारा स्टैटिक्स होता क्या है। क्या है स्टैटिक्स हमारा, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन इक्विलिब्रियम।
ठीक है, स्टैटिक्स को हम क्या बोलते हैं, मतलब हम अगर इजिली याद करें तो यही बोलेंगे हम, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, क्या है ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है, ठीक है। लेकिन इसके एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट का वो मोशन है जिसमें उस पर जो फोर्सेस लग रही है वो क्या इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, इक्विलिब्रियम में होगा। मान लो कैसे कि क्या कह रहा अपना कि हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, इस पे जो फोर्स है वो इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब यहाँ से भी फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स लग रही है, यहाँ से फोर्स, जो ये सारी फोर्स लग रही है ये सारी इक्वल लग रही है, ठीक है, जो चारों डायरेक्शन से इस पे फोर्स लगेगी, चार क्या हर डायरेक्शन से, कोई भी पॉसिबल डायरेक्शन हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स, सारे डायरेक्शन में क्या होते हैं ऑल डायरेक्शन पे इस पे फोर्स लगेगी, वो क्या होगी सारी फोर्सेज क्या होगी हमारी इक्वल होगी, इसको इक्विलिब्रियम में होगी। तो जब फोर्सेज इक्विलिब्रियम में है, इक्वल लग रही है हमारी ऑल डायरेक्शन से, तो क्या होगा ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पे ही होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम स्टैटिक्स बोलेंगे, ठीक है, तो ये हमारा स्टैटिक्स होता है। आगे हम काइनेमेटिक्स और अब मोशन की बात कर सबसे पहले, हमारे स्टैटिक्स मतलब क्या, किसकी बात कर ली हमने, रेस्ट की बात कर ली, ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है हमारा रेस्ट ही होता है, ठीक है। अब मोशन की बात करें तो मोशन हमारे यहाँ पे दो टाइप का होता है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे मोशन हमारे टू टाइप्स का होगा, मोशन की बात करेंगे तो हम दो मोशन की बात करेंगे, दो या बात आती है यहाँ से, एक तो होती है काइनेमेटिक्स, क्या है काइनेमेटिक्स, और अगला क्या हमारा डायनेमिक्स, ठीक है। जो हमारा काइनेमेटिक्स है इसका मतलब ही क्या होता है मोशन होता है, ये ग्रीक भाषा के काइनेमा वर्ड से लिया गया, इसका मतलब ही क्या होता है मोशन होता है, ठीक है। और जो डायनेमिक्स है ये हमारा डायनेमिक्स से आया है, इसका मतलब हमारा पावर होता है, ठीक है। इसकी हम डेफिनेशंस पे बात कर लेते हैं, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है हमारी जो काइनेमेटिक्स है, ठीक है। सबसे पहले तो इन दोनों में क्या होगा मोशन होगा हमारा, ठीक है, दोनों में किसकी बात करेंगे मोशन की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि मोशन में ही आता है, मोशन के दो पार्ट है काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो जो हमारा काइनेमेटिक्स होता है वो कौन सा मोशन होता है ऑब्जेक्ट का जिसमें हम किसी मतलब किस वजह से मोशन हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स में क्या होता है द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर मोशन, ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम कॉज की बात नहीं करेंगे। और जो डायनेमिक्स होगा इसमें हम कॉज की बात करेंगे कि किस वजह से हमारा मोशन हो रहा है, किस वजह से हमारे जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट से मोशन में आ रही है, ठीक है। तो इस जो डायनेमिक्स है इसमें क्या बात करेंगे हम कॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, ठीक है। डायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं कॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं कि किस वजह से हमारा ऑब्जेक्ट है वो मोशन में आया है। और जो काइनेमेटिक्स है इसमें हम ऐसी कोई बात नहीं करते, इसमें हम कॉज के बारे में कोई डिस्कस नहीं करते, ठीक है। ये हमारा काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में था। अब हम आगे देखें, आगे हमारा क्या था रेस्ट और मोशन, एक्चुअली हमारा रेस्ट क्या है और मोशन क्या है इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। रेस्ट क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इज पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम, क्या हो देखो रेस्ट को क्या बोलेंगे हम। सबसे पहले तो जो हमारा रेस्ट और ये मोशन है ना, ये हमारा क्या है रिलेटिव टर्म्स है, ठीक है, ये क्या है हमारी रिलेटिव टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स कैसे मतलब जो रेस्ट और मोशन बात करेंगे वो हम ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को नहीं बोल देंगे ये रेस्ट में ये मोशन है, मतलब ये किसी अपने सराउंडिंग से रिलेट करके बताएंगे, ठीक है, जो सराउंडिंग होगा उसके रेस्पेक्ट में पता चलेगा हमें कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। कैसे हम रेस्ट की बात करें तो क्या होता है ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज होगी टाइम के साथ, ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज हो रही है या ना हो रही है, ठीक है। रेस्ट में क्या होता है उसकी पोजिशन चेंज नहीं होती टाइम के साथ, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, कि उसके जो सराउंडिंग में चीजें हैं उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, तो हम उसको क्या बोलते हैं वो चीज क्या होगी रेस्ट में होगी। देखो आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे हम बैठे हैं, ठीक, हम बेड पे बैठे हुए हैं अपने चेयर पे बैठे हुए, जो हमारा सराउंडिंग क्या हो गया हमारा रूम हो गया हमारा क्लासरूम हो गया, उसके सराउंडिंग में हम क्या है रेस्ट पे हैं, ठीक है। हम बैठे हुए हैं चेयर पे, जो हमारा रूम हो गया क्लासरूम है जो भी है उसके रिस्पेक्ट में हम कहाँ है बैठे हुए हैं, कि उसका मतलब क्या है जो हमारा सराउंडिंग है उसके रिस्पेक्ट में हम क्या है रेस्ट पे, हमारी टाइम के साथ हमारे सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में हमारी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या होगा हम क्या है रेस्ट पे,
ठीक है, मोशन की बात करते हैं तो मोशन का क्या मतलब होगा, इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद पासिस ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के साथ और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अगर हमारी पोजिशन चेंज हो रही है तो इसका क्या मतलब क्या हम मोशन में। अब लगा लो हम बैठे हुए थे, चेयर पे बैठे थे, ठीक है, अपने क्लासरूम हमारा सराउंडिंग था उसके रिस्पेक्ट में हम क्या बैठे हुए थे, तो हम क्या थे, रेस्ट पे थे। अब हम क्या किया, हम उठ के चल दिए, ठीक है, चलने लग गए हम। अब क्या हमारा जो सराउंडिंग है वो क्या क्लासरूम ही है, लेकिन क्लासरूम तो वही है हमारा, हमारा सराउंडिंग है, लेकिन हम चलने लग रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम के साथ क्या हो रहा है, हमारी पोजिशन चेंज हो रही है। पहले हम बैठे थे, फिर खड़े हुए, उठे, चले, गेट तक पहुंचे, ठीक है, हमारी पोजिशन चेंज होती जा रही है, तो क्या हो रहा है, हमारे सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में हमारी पोजिशन चेंज होगी विद द पासेज ऑफ टाइम, तो उसके क्या बोलेंगे हम, मोशन में, ठीक है। उसका क्या मतलब होगा, हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मोशन में, ठीक है। जैसे एरोप्लेन जा रहे हैं, तो एरोप्लेन जा रहा है तो हमारा उसका अराउंडिंग सब कुछ सराउंडिंग में हम देख रहे हैं, ठीक है, हम उसके सराउंडिंग में हम उसको देख रहे हैं, चलते हुए देख रहे हैं, उसकी पोजिशन चेंज हो रही है हमारे रिस्पेक्ट में, ठीक है। मतलब मोशन और जो रेस्ट देखेंगे हम क्या हो गया, वो किसी के रेस्पेक्ट में पता चलेगा कि उसके रेस्पेक्ट में हम, हमारी पोजिशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही। देखो इसका एक अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, हम ट्रेन में जा रहे हैं बैठ के, ठीक है, ट्रेन में सब सफर करते हैं, ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, हाँ ट्रेन चल रही है, हम भी ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर हमें बाहर से खड़ा हुआ कोई आदमी देख रहा है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ कोई आदमी देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वो हमारा सराउंडिंग होगा, ठीक है, कोई आदमी देख रहा है वो सराउंडिंग में होगा, और जो ट्रेन जा रही है और हम भी ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, क्या हम दोनों उसके रिस्पेक्ट में क्या मोशन में है, ठीक है, वो तो क्या होगा, मोशन हो गया। रेस्ट की बात करें, अब ट्रेन चल रही है, हम भी उसमें बैठे हुए, लेकिन हम उसमें बैठे हैं और ट्रेन चल रही है, लेकिन हम वहां पे क्या है, रेस्ट में, ठीक है। बाहर से आदमी देख रहा है उसके रिस्पेक्ट में तो हम मोशन में है, लेकिन हमारे रिस्पेक्ट में जो हमारे साथ जो अंदर आदमी बैठा हुआ है, अगर वो हमें देखेगा तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या है, रेस्ट में, ठीक है। देखो मैं क्या कह रही हूँ, ट्रेन में हम सफर कर रहे हैं, बाहर से अगर हमें कोई आदमी देखेगा तो उसके रिस्पेक्ट में हम क्या लगेंगे, मोशन में लगेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल रही है तो हम भी ट्रेन के साथ जा रहे हैं, ठीक है। तो जो बाहर से खड़ा हुआ आदमी देखेगा उसके रिस्पेक्ट में हम क्या, मोशन में, लेकिन हम अंदर बैठा, अंदर साथ में हमारे कोई दूसरा आदमी बैठा है वो हमें देखेगा तो क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में हम क्या होंगे, हम रेस्ट में होंगे, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते कि हमारे जो रेस्ट और मोशन होती है वो क्या होती है, हमारी रिलेटिव टर्म्स होती है, ठीक है, वो क्या होती है, हमारी रिलेटिव टर्म्स होती है। तो ये था हमारा रेस्ट और मोशन। नेक्स्ट हमारा मोशन इन वन डायमेंशन, वन टू एंड थ्री डायमेंशन। अब जब मोशन बताएंगे वो हमारा जैसे डायमेंशन होते हैं, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, जिसको बोलते हैं 1D, 2D, 3D, ठीक है, तो हम उसमें मोशन बताएंगे, कैसे बताएंगे उसमें मोशन की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें पोजीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। मोशन से पहले हम पोजीशन बताएंगे, जैसे 1D, 2D, 3D में हमारी पोजीशन क्या है, तो हमारी पोजीशन चेंज होगी तभी तो हम मोशन बताएंगे कि हाँ हम मोशन में है या नहीं है। तो जो मोशन पोजीशन की बात करते हैं वो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करते हैं, ठीक है। जो हमारा पोजीशन है उसको क्या हम डिस्कस इन, उसको किस में डिस्कस करते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्कस करते हैं, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, हम कहाँ से इसको देख रहे हैं, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करें, अभी आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको नाम बता देती हूँ, दो क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या क्या होते हैं, हमारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक इनर्शियल फ्रेम होता है, एक क्या होता है हमारा नॉन इनर्शियल होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे हमारा, ठीक है, अभी इनका लोड लेने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता देती हूँ। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है हमारा, जो फिक्स होता है, ये क्या होता है हमारा फिक्स फ्रेम होता है, और ये क्या होता है हमारा फिक्स नहीं होता, ये क्या होता है वेरिएबल होता है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है हमारा टाइम के साथ, वेरिएबल फ्रेम, ठीक है। तो सीधी सी बात क्या है, हमारे पोजिशन को हम किस में डिस्कस करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिस्कस करते हैं, कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उसमें हम अपने पोजिशन को डिस्कस करेंगे। अब पोजिशन है उसको हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने हैं तो किस किस में बताते हैं, हम उसको अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताते हैं, ठीक है। हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या क्या होता है, आप देखो मैथ में पढ़ते वैसे भी यूज करते होगे, हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलते हैं हमारा, ठीक है, थ्री एक्सिस लेते हैं, एक्स, वाई एंड जेड,
ठीक है, ये थ्री एक्सिस होती है, हमारा ओरिजिन हो गया ओ, ये एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है। अब हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बतानी है तो हमें 1D में बताते हैं, 2D में बताते हैं, 3D में बताते हैं, ठीक है। 1D, 2D, 3D क्या क्या होते हैं, हम अगर 1D की बात करें हमारा, 2D की बात करें और 3D की बात करते हैं, ठीक है। 1D में ओनली हम 1 एक्सिस के अलोंग बात करेंगे, ठीक है, 1 एक्सिस जो हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा अलोंग 1 एक्सिस होगी हमारी। 2D में क्या होगी, हमारे 2 एक्सिस, सिर्फ ओनली 2 एक्सिस के रेस्पेक्ट में हम उसकी पोजीशन बताएंगे। और 3D में क्या होगा, हम तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बताएंगे, ठीक है, तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बताएंगे किसी ऑब्जेक्ट की। पोजीशन कैसे, जैसे 1D में मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, 1D में कैसे देखेंगे हम इसको, हमारा कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन बतानी है हमें आपको, ठीक है। हम 1D में लेके चल रहे हैं, ये हमारे क्या होगी, एक्स एक्सिस हो गई, ये क्या हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारे यहाँ पे ओरिजिन है, मतलब इधर की हमारी माइनस एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये कोई पॉइंट ले लिया हमने ए बी सी डी, इनकी डिस्टेंस है x1, x2, x3, x4, कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है। अब हमने बता दिया हमारा कोई पॉइंट है वो सी पॉइंट पे, ठीक है, कहाँ है वो हमारा, सी पॉइंट पे है, ए पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे, इनकी पोजीशन निकालनी है। अगर वो हमारा ए पॉइंट पे है, ठीक है, क्या हमारा ए पॉइंट पे है, तो उसकी पोजीशन निकालेंगे कहाँ से, पोजीशन कहाँ से निकल गई, हमारी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या होगी, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, ओ ए, वो क्या बताएगा, उसकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा जो हमारा ए पॉइंट पे, वो क्या होगी हमारी, उसका जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है, x1 माइनस का इनिशियल क्या होगा, 0, ठीक है। तो हमारी इसकी जो पोजीशन ए पॉइंट पे होगा उसकी पोजीशन क्या होगी हमारी, x1 होगी, ठीक है। अब हम बात करें वो बी पॉइंट पे, ठीक है, क्या है, बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे बताना है कहाँ से, ए से बताएं तो अगर हम, ठीक है, कहाँ से बता रहे हैं हम, उसकी पोजीशन ए पॉइंट से बताएं कि ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में बी पॉइंट पे है, तो ए पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम उसकी पोजीशन बतानी है, तो क्या होगा हमारा फाइनल x2 है, इनिशियल क्या हमारा x1 पे था, तो ये क्या होगी उसकी बी पॉइंट पे पोजीशन होगी विद रिस्पेक्ट टू ए पॉइंट। अगर ओरिजिन से बताएंगे तो क्या होगा हमारा, ओ बी होगा, ठीक है, तो फाइनल x2 है माइनस 0 ऐसे, ठीक है। सी पे बताएंगे तो अगर हम बी के रेस्पेक्ट में बता रहे हैं तो क्या होगा हमारा बी सी, तो उसको क्या लिखेंगे हम x3 माइनस x2, ठीक है। ऐसे हम पोजीशन बताते हैं हम अपने पॉइंट के कि हमारा पॉइंट कहाँ है। ऐसे हम 2D की बात करेंगे, 3D की बात करेंगे, ठीक है। 2D ये हमारा क्या हो गया, 1D में बताया हमने उसकी पोजीशन, किसमें बताया हमने, 1D में बताई है। अगर हम 2D की बात करें तो 2D में क्या लेंगे हम, 2 एक्सिस की बात कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है, हमारी 2 एक्सिस हो जाएगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है, पॉइंट पी, इसकी जो क्या होगी, मान लो x1 और यह क्या होगा हमारा x और y, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसकी रिस्पेक्ट में हम इसकी पोजीशन इजीली बताएंगे, ठीक है। 3D में होगा तो वहाँ पे क्या लेते हैं, तीनों एक्सिस की बात करते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, पॉइंट P है, इसके क्या करें, x y z, तीनों कोऑर्डिनेट इसकी पोजीशन बताएंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। अभी हमारा 1D 2D 3D क्या होता है ये तो हमें पता होना चाहिए, हमारा 1D मोशन क्या होता है, 2D मोशन क्या होता है, ठीक है। हमने 1D 2D 3D तो बता दिया आपको, एक्चुअली में होता क्या है, इनका मतलब क्या है कि 1D में कैसे मोशन होता है, हम कैसे, ये 1D में मोशन है, 2D में है, 3D में, ठीक है। अब देखो आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, उससे आपको इजिली समझ में आ जाएगा एक्चुअली हमारा 1D 2D और 3D होता क्या है, ठीक है। 3D को हम स्पेस भी बोलते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या है 1D, ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन की बात करें तो क्या है, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वन डायमेंशन मोशन। क्या होगा अगर उसमें हम ओनली पोजिशन, अगर ऑब्जेक्ट की पोजिशन बताएंगे तो हम ओनली तीनों कोऑर्डिनेट में से ओनली वन कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ओनली वन कोऑर्डिनेट बताएगा, ठीक है, एक ही कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन बताएगा। जैसे एग्जांपल बताते हैं आपको, फॉर एग्जांपल क्या हमारे, हमने अभी ट्रेन का एग्जांपल लिया था, ठीक है, ट्रेन ट्रैक पर से जा रही है, वो किस में जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है हमारी, स्ट्रेट जा रही है, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो जो ट्रेन है, ठीक है,
ट्रेन जो एक डायरेक्शन में ऐसे जा रही है वो क्या बताएगी, हमारे किस में जा रही है, वन डी में जा रही है, ठीक है। उसका जो मोशन है वो क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है। इसका मोशन क्या है, वन डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। ट्रेन का हो गया, ट्रेन का क्या है हमारा, वन डायमेंशनल मोशन है। हम कोई आदमी जा रहे हैं, ठीक है, हम अब किसी सड़क पर यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, ठीक है, हम सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब सड़क जो हमारा रोड है वो जा रहा है एक डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट जा रहा है, तो जो ये भी क्या होगा हमारा, इस पर हम चल रहे हैं, ये भी क्या होगा हमारा, वन डी मोशन होगा, ठीक है। ये किसके एग्जाम्पल, हमारे वन डी मोशन के एग्जाम्पल है। अगर हम टू डी की बात करें, हमारा 2D डायमेंशन, इसमें क्या बताएगा हमारा, दो कोऑर्डिनेट्स बताएंगे, ठीक है। इसकी पोजीशन में किसकी बात करेंगे, टू कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करते हैं हम, तो क्या होगा, हम वो जो हम फर्श, हमारा फर्श लेके चलते हैं, ठीक है, फ्लोर है, उस पर कोई इंसेक्ट मूव कर रहे हैं। अब हमारा जो इंसेक्ट है ये हमारा मान लिया फर्श है, ठीक है, फ्लोर है हमारा घर का, ये हमारा फ्लोर है। इस पर जो इंसेक्ट है वो इंसेक्ट तो ऐसे तो नहीं स्ट्रेट लाइन में ही चलता है, वो कैसे चलता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे मूव करता है ना हमारा, ठीक है। तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होता है हमारा, 2D मोशन होता है, ठीक है। कैसा मोशन होता है हमारा, 2D मोशन होता है। हम बॉल, मान लो हमने बॉल लुढ़का दी, ठीक है, ऐसे यहाँ पे जो हमारी बॉल थी ये हमने बॉल है फ्लोर पर ऐसे लुढ़का देते हैं, हम इसको बोल लिया हमने उसको फ्लोर पर लुढ़का, तो वो ऐसे 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 सब डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव करेगी, ठीक है, फ्लोर पर वो हर डायरेक्शन में मूव करते, जो उसका मोशन होगा वो भी क्या होगा हमारा, 2D मोशन होगा, ठीक है। 3D की बात करते हैं हमारा, तो 3D मोशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, तीनों कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, ठीक है, क्या होगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स बात करेंगे। जो इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल क्या हमारा, ये हमारा तीनों डायरेक्शन में बात करे, जैसे हमने मान लिया हमारा आसमान में हमारा एरोप्लेन उड़ रहा है, ठीक है, फ्लाइंग बर्ड्स है, बर्ड्स मूव कर रहे हैं, तो जैसे क्या हो गया, बर्ड्स मूव, बर्ड्स फ्लाइंग बर्ड्स हो गए हमारे, ठीक है, फ्लाइंग बर्ड्स है, काइट है, ठीक है, फ्लाइंग काइट्स है, एरोप्लेन है, ये क्या होते हैं हमारे, 3D मोशन होता है इनका, ठीक है। इनका मोशन क्या होता है हमारा, 3D होता है, फ्लाइंग बर्ड्स है, ऊपर भी जाते हैं, नीचे भी जाते हैं, आगे पीछे, इसका तीनों डायरेक्शन में हमारा मोशन होता है। काइट का भी, काइट भी हमारे क्या, ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे डायरेक्शन में मूव करती है। एरोप्लेन का भी यही है, ठीक है, इनको हम यहाँ पे खड़े, मतलब इनका स्पेस में मूव कर रहे हैं। 3D का मतलब ही स्पेस होता है, ठीक है, 3D का क्या मतलब होता है, स्पेस में होता है। तो ये थे हमारे 1D 2D एंड 3D मोशंस। तो आज हमने अपने मोशंस के बारे में देख लिया कि हमारा मोशंस का जो भी, जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन है उसमें जो भी हमारा इंट्रोडक्शन था, जो बेसिक था, उसके बारे में आज हमने स्टडी किया है। क्या क्या था हमारा, कि सबसे पहले मैकेनिक्स है, इसमें हम दो टर्म की बात करते हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, एंड डायनेमिक्स का क्या मतलब होता है, ऑब्जेक्ट इन मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन बता दें हमने, स्टैटिक्स के बारे में बता दें हमारा, स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है। अब मोशन की बात करें तो मोशन भी हमारे दो टाइप के होते हैं, काइनेटिक्स एंड डायनेमिक्स। डायनेमिक्स में हम कोज ऑफ मोशन की बात करते हैं, लेकिन काइनेटिक्स में हम कोज की बात नहीं करते। नेक्स्ट हमारा रेस्ट और मोशन है, ये हमारा इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से पता होना चाहिए रेस्ट और मोशन क्या होता है, मतलब कैसे हम किसी चीज को बोलेंगे कि हाँ ये रेस्ट पे और ये हमारी मोशन पे। इस पर जो हमने ट्रेन का एग्जाम्पल दिया था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्या दिया था, ये हमारी क्या थी, ट्रेन, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है और यहाँ पे हम बैठे हैं और यहाँ पे एक दूसरा आदमी बैठा हमारे, ठीक है। जो ये एग्जांपल था आपको इससे इजीली समझ में आ गया होगा। इसके रेस्पेक्ट ये ट्रेन मूव करिए, तो इसके रेस्पेक्ट में हम भी और ट्रेन भी दोनों क्या होंगे, मोशन में होंगे। अगर हम इसके रेस्पेक्ट में दोनों की बात करेंगे तो हम दोनों क्या एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, रेस्ट पे होंगे, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर में कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।